सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शहर में दहशत फैलाने वाले आरोपियों की पुलिस ने सड़कों पर बारात निकाल दी। हाथों में हथकड़ी लगाकर पूरे शहर में घुमाया गया। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि महाराष्ट्र की हैं। उल्लासनगर और कल्याण में अपराध बढ़ता जा रहा है। हत्या, लूटपाट, डकैती जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। शहरवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है, लेकिन अब उल्लासनगर के पुलिसकर्मियों ने शहरवासियों को दहशत मुक्त कराने का बीड़ा उठा लिया है। इसकी पहल सोमवार को उल्लासनगर में देखने को मिली। हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को हाथ में हथकड़ी लगाकर पूरे शहर में उनकी बारात निकाली गई। आपको बता दें कि उल्लासनगर पुलिस हत्या का प्रयास करने वाले दो आरोपियों को मालसेज घाट से गिरफ्तार कर इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों को दो दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी सोहन अनिल पवार और यश सुरेश पवार का इलाके में काफ़ी दहशत था। इनके प्रति इलाके के लोगों के मन में दहशत कम करने के उद्देश्य से पुलिस ने उनके हाथों में रस्सी बांधकर पूरे इलाके में घुमाया। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके के लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है और उन्होंने पुलिस के इस कदम की सराहना भी की है। पुलिस ने कहा है कि वे अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेंगे ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा बनी रहे।